फ्रेंड्स, आप ये भी भलीभांति जानते हैं कि 2014 से पहले देश का बैंकिंग सिस्टम किस तरह संकट में था। तब हालात ये थी कि बैंकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए की पूंजी की प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी। 6 लाख करोड़ रुपए, इसमें सरकार द्वारा पहले इंद्रधनुष 5 के तहत 70,000 करोड़ रुपए और रीकैप के माध्यम से 2,36,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। साथियों, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से अब 13 बैंक मुनाफे में वापस आ चुके हैं और आप व्यापार उद्योग वाले हैं, आपको मालूम है कि जब एक बार नीचे की तरफ जाते हैं तो बाहर आने में कितनी दिक्कत होती है। आपने अपना जीवन में देखा है ये। 6 बैंक पीसीए से भी बाहर निकल चुके हैं। हमने बैंकों का एकीकरण भी तेज किया है। बैंक अब अपना देशव्यापी नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और अपनी ग्लोबल पहुंच कायम करने की ओर अग्रसर है। हमारी सरकार ने बैंकों के कारोबारी फैसलों में किसी तरह की दखलंदाजी को समाप्त कर दिया है। अब फोन बैंकिंग नहीं चल रहा है, ये मुसीबत का कारण फोन बैंकिंग था। फोन आपका होगा, करने वाला दूसरा होगा, सुनने वाला तीसरा होगा। हर किसी का किसी न कहीं जगह पे स्पर्श तो है ही है। सरकार के दखल के बिना काबिल लोगों को पारदर्शी तरीके से नियुक्ति मिले, इसके लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया है। इसमें आरबीआई और बाहरी एक्सपर्ट्स उनको रखकर उन्हें पूरी ऑटोनॉमी दी गई है। अब आप बैंकों में सीनियर पदों पर नियुक्ति होने पर कोई मर्मरिंग कहीं पर सुनाई नहीं देता होगा, क्योंकि पूरी तरह प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट व्यवस्था की ओर हम बढ़े हैं।